कैसी है शहनाज की हालत? तो दरअसल आपको पहले भी बताया कि शहनाज की हालत इस समय काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। कुछ बोल नहीं रही हैं, कुछ रिएक्शन नहीं दे रही हैं, एक कोने में जाकर बैठ गई हैं। कहीं ना कहीं उन्हें बहुत बड़ा सदमा लगा है। ये बात जैसे ही उनके सामने आई है, शहनाज एकदम गुम हो गई है। वो कुछ रिएक्शन नहीं दे रही है, कुछ भी हाव भाव नहीं है शहनाज के। उनकी हेल्थ कंडीशन भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो वहीं सब लोग जो है शहनाज की हालत देखकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड हैं। और जाहिर सी बात है, शहनाज की हालत इस वक्त बहुत ज़्यादा ख़राब होना ही है, क्योंकि जिसे वो सब कुछ मानकर बैठ गई थी, यानी कि सिद्धार्थ शुक्ला, उनका दोनों का बॉन्ड काफ़ी बढ़िया था। दोनों काफ़ी अच्छी, जो बोलना चाहिए कि कनेक्शन शेयर करते हैं और करते थे। तो अब जब सिद्धार्थ शुक्ला के ना होने की खबर जैसे ही शहनाज ने सुनी है, वैसे ही शहनाज एकदम गुम हो गई है। तो वही अपने फादर से भी उन्होंने कहा था कि मैं कैसे रहूंगी अब सिद्धार्थ के बिना, क्योंकि उसने मेरे हाथ में अपना दम तोड़ा है और हर चीज़ शेयर करते थे हम, जो है इतना प्यारा बॉन्ड शेयर करते थे, अब वो कैसे रहेंगी। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि सिद्धार्थ शुक्ला का लगभग 2 बजे अंतिम संस्कार होगा, लेकिन उससे पहले हॉस्पिटल से उनकी जो पार्थिव शरीर है वो लेकर आएंगे घर पर। सब लोग आखिरी दर्शन करेंगे, लेकिन शहनाज कैसे देख पाएंगी सिद्धार्थ शुक्ला को इस हालत में, ये सोच कर भी गूस बम्स आते हैं। दिल बैठ जाता है कि आखिर किस तरीके से शहनाज जो है सिद्धार्थ शुक्ला को इस हालत में देखेंगी, कैसा रिएक्शन होगा, क्या कहेंगी शहनाज, कुछ कह भी पाएंगी या नहीं कह पाएंगी। क्योंकि अब तक शहनाज की हालत तो एकदम ख़राब है, कुछ किसी से कुछ नहीं कह रही हैं, एक कोने में जाकर बैठ चुकी हैं।